एनबी न्यूज देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ साधना मित्रा। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि यूपी का जनसंख्या नियंत्रण विधेयक शुद्ध राजनीतिक संट है और भाजपा एक विशेष समुदाय को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। थरूर ने यहाँ ये कहा कि हमारे लिए जनसंख्या के बारे में आंदोलन करना एक गलत प्राथमिकता है, क्योंकि स्तर पर न केवल जनसंख्या स्थिर होगी बल्कि लगातार घटने लगेगी, जो कि शुद्ध राजनीतिक संट की इशारा करता है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक खास समुदाय को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। कोई भी यह कह सकता है कि इस तरह की विभाजनकारी चर्चा राष्ट्र विरोधी है। Quite bizarre because it's a really out of date concern. There was a time when there was a real fear of a population bomb, as it was called in the 1970s. Today we're looking at a situation where the overwhelming majority of Indian states has reached what's called replacement level, that is fertility of below 2.1 children per woman. Now in these circumstances, for us to be agitating about population is the wrong priority, because not only will population stabilize at this level, but will steadily start to decline. Meanwhile, those who are already born earlier are going to be growing older, and therefore by about 2030, India is going to be facing an aging population without enough young people to support the older people. So that is the basic reality of the demographics. This one, it seems to me, is pure political finger pointing. They are trying to demonize a particular community. We've seen this in Assam, where they're concerned apparently about a certain number of quote unquote migrant Muslim Bengalis. In UP, we know what Mr. Adityanath and his henchmen are interested in. Lakshadweep is 96% Muslim. So these are the three places in India where the BJP is pushing this policy. I find it quite bizarre and honestly not particularly helpful. One could even say that in many ways this kind of divisive discussion is anti-national, to use one of the famous or favorite. और वहीं कोरोना महामारी को लेकर सरकार पर विपक्ष दल खासा हावी है और इसी के चलते पीएम मोदी कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लेकर सरकार की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जुलाई को संसद के दोनों सदनों के सभी दलों के नेताओं को देश में कोविड-19 की स्थिति पर एक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता देते हैं कि यहां सभी दलों के नेताओं से चर्चा के बाद प्रेजेंटेशन का समय तय किया जाएगा। वहीं संसद के मॉनसून सत्र से पहले यहां पीएम मोदी अपनी बात रख सकते हैं। आपको बता दें कि यहां 20 जुलाई को वो देश को संबोधित करेंगे और महामारी पर अपनी बात रखेंगे। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने 18 जुलाई को नगांव में जब्त ड्रग्स के डिस्पोज कार्यक्रम में भाग लिया और कार्यक्रम के दौरान सीएम शर्मा ने एक रोलर चलाया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि असम से भारत के कई राज्यों में ड्रग्स भेजे जाते हैं, आपूर्ति लाइन को काटना और उत्पादन बंद करना मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य है। देखिए, हम उट्टा असम भी नहीं सहता हूँ, उट्टा पंजाब भी नहीं सहता हूँ। मेरा मालूम है कि उत्तर पूर्व से काफ़ी ड्रग्स भारत का मेनलैंड में जाते हैं। ये हमारा नेशनल ड्यूटी बनता है कि भारत का मेनलैंड तक हमारा सप्लाई लाइन को कट करना चाहिए। अगर हम असम, उत्तर वेस्ट बंगाल, उत्तर पूर्व, हम लोग अगर काम नहीं करूँगा, काफ़ी सारा ड्रग्स भारत का मेनलैंड में पहुंच जाएगा। तो एक तो पाकिस्तान बॉर्डर से ड्रग्स आते हैं, एक नॉर्थ ईस्ट से भी ड्रग्स आते हैं। असम सरकार का प्रयास होगा असम में भी कंजम्पशन बंद हो और साथ साथ असम से भारतवर्ष का मेन स्टेट्स में, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, पंजाब, कहीं में ड्रग्स ना जाए, इसका भी व्यवस्था करना। और महाराष्ट्र के राहत और पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार चेंबूर की घटना के बारे में बातचीत की उन्होंने और उन्होंने कहा कि सांता क्रूज में लगभग 235 से 270 मिलीमीटर बारिश हुई और जबकि चेंबूर में कल 200 मिलीमीटर बारिश हुई। आपको बता दें कि
वार ने यहाँ ये कहा कि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था और लोगों को डेंजर जोन से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और यहाँ एक दिन में 300 मिलीमीटर बारिश के बीच ऐसी घटनाएं सामान्य हैं। दुख की बात यह है कि लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि शहर में लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन के कारण एक दीवार गिर गई और इस पूरी घटना में 18 जुलाई को मुंबई के चेंबूर में भारत नगर इलाके में झोपड़ियों पर दीवार गिरने से कई लोगों की जान चली गई थी। कल से मुंबई में जो रेड अलर्ट घोषित किया था और उसमें शांताक्रूज और चेंबूर परिसर में करीबन 235 से 270 मिलीमीटर बारिश हुई और उसी के साथ चेंबूर में 200 मिलीमीटर बारिश की नोंद की गई। ये बारिश के बारे में पहले ही रेड अलर्ट हमने घोषित की थी और लोगों को जहाँ पे ऐसे बड़े बड़े पहाड़ों पे लोग मुंबई में बसे हैं उनको सुरक्षित जगह में रेस्क्यू करने के लिए हमने बोला गया था। फिर भी वो कुछ लोग हैं कि वहाँ अपना घर छोड़कर नहीं जाते हैं और ऐसी घटनाओं को सामने जाना पड़ता है। हमें बहुत दुख होता है कि इनमें आज 20-22 लोगों की जो 20-21 लोगों की जो जान गई, डेथ हो गई, उनके प्रति हम दुख और संवेदना व्यक्त करते हैं। देश भर में मॉनसून छा जाने के बाद अब अगले एक हफ्ते तक भारत में भारी बारिश की संभावना जताई गई है और इस बीच मौसम विभाग ने अनुमान ये जताया कि पूरे उत्तर भारत में 18 से 21 जुलाई तक भारी बारिश होगी और जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में हालात 23 जुलाई तक जारी रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक आपको बता दें कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में आगे भी भारी बारिश जारी रहेगी। मुंबई में भारी बारिश के बाद चेंबूर और विक्रोली में लैंडस्लाइड में 22 लोगों की मौत हो गई और यहाँ जिस तरीके से 5 मकान भी ढह गए, वहीं दिल्ली में भी कई इलाकों में सोमवार को जमकर बारिश हुई और लंबे समय के बाद झमाझम बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और ताज नगरी आगरा के थाना उत्मा उद्दोला क्षेत्र में एक 12 वर्षीय मासूम के साथ पड़ोसी युवक ने दो अन्य दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल दो युवकों को गिरफ्त कर लिया है। आपको बता दें कि यहां दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़ित का जो मेडिकल है वो करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि पुलिस को 112 हेल्पलाइन पर सूचना मिली थी कि यहां शहादरा क्षेत्र में पड़ोसी युवक और उसके दोस्तों के 12 साल की किशोरी के साथ गैंगरेप किया है। तो यहां दोस्तों ने 12 साल की किशोरी के साथ गैंगरेप किया है और इस वारदात को अंजाम दिया गया और इस घटना में आपको बता दें कि शिकायत पर तत्काल पीआरबी और थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने तत्काल दो युवकों को हिरासत में ले लिया है और जबकि कुछ युवक फरार चल रहे हैं जिनकी तलाश फिलहाल जारी है। थाना यदमतोला में सादरा क्षेत्र में एक 12 साल का बच्चे के साथ दुष्कर्म में सूचना पुलिस का 112 का मध्यम प्राप्त हुआ है। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचा है, उनका बच्चे का पापा मम्मी से बात किया है और उन्होंने बताया है और उस बच्चे के साथ पड़ोसी है, एक लड़का है और उनके साथ और दो दोस्त लोग जो पड़ोसी के लड़का का घर पर बुला लिया। घर पर जाके वहाँ पर तीनों लोगों ने उनके साथ दुष्कर्म किया। इसका जो बच्चे ने अभी कह रहा है उसमें पुलिस ने दो लोग के हिरासत में ले लिया, उसको गिरफ्तारी कर लिया और बाकी लड़की के मेडिकल करवा रहा है। बाकी जो मुलजिम से पूछताछ चल रहा है अभी अभी घटना है, तुरंत पुलिस मौके पर तत्काल पहुंच के सब कार्रवाई कर रहा है और बाकी दोनों मुलजिम से इंटरोगेशन होगी और FIR दर्ज करके उनको। और वहीं हरियाणा के गुरुग्राम की बात करें तो यहां गुरुग्राम, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ समेत सभी जिलों में लॉकडाउन की जो अवधि है वो सोमवार सुबह खत्म हो रही थी और इसी को देखते हुए इस अवधि को अब एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब 26 जुलाई तक इसकी अवधि कर दी गई है। वैसे हरियाणा में पिछले दो हफ्ते में मिली छूटों के बाद आवाजाही और जनजीवन पूरी तरह से सामान्य हो गया है और कई लोग कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बाजारों में भीड़ उमड़ रही है। सरकार बार बार हिदायत दे रही है कि प्रोटोकॉल का पालन करें, अन्यथा फिर संक्रमण फैलने का डर रहेगा। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर सरकार और सख्ती बरत रही है।
और यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी के मुरादाबाद की थाना सिविल लाइंस पुलिस ने सचिन कुमार नाम के व्यक्ति को शिकायत पर ऐसी शातिर महिला को गिरफ्तार किया जो युवकों पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करते हुए उनसे मोटा पैसा वसूलती थी। संबल के चौधरी सराय में रहने वाले सचिन कुमार की शिकायत पर पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आपको ये बता दें कि शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे शादी का झांसा देकर मिलने के लिए बुलाया और फिर कमरे में ले जाकर छेड़खानी और रेप का मुकदमा दर्ज कराने का डर दिखाकर उसे पैसे ऐंठने की कोशिश की। पुलिस जांच में इस मामले का पता चला है कि इन युवतियों ने पहले भी कई बार कई लोगों को अपना निशाना बनाया और हर बार पैसे ऐंठने के बाद ये अपना ठिकाना बदल लेती थी। पुलिस ने इस गैंग में शामिल कई लोगों के होने की बात कही है जिसमें मुख्य रूप से दो युवतियां समेत कई लड़के इस मामले में शामिल हैं। आपको बता दें बहरहाल ये दोनों शातिर युवतियां अब पुलिस की गिरफ्त में है। वही फरार जो आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है। और यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात यूपी के मिर्जापुर की कर लेते हैं जहां मिर्जापुर के अष्टभुजा में पुलिस चौकी से कुछ दूर 15 जुलाई 2021 को एक युवक का शव तालाब में पाए जाने के बाद सनसनी फैल गई। यहां युवक की पहचान सुनील पुत्र हिंचलाल निवासी ग्राम गोपालपुर मडगुड़ा थाना विध्यांचल के रूप में हुई है। शव पर चोट के निशान के कारण देखने से ऐसे लग रहा था कि युवक की हत्या हुई है। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। तफ्तीश के बाद पुलिस ने अष्टभुजा में नवनिर्माणाधीन टोल प्लाजा के पास से तीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में तीनों ने हत्या करने के जुर्म को स्वीकार किया है। मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल थाना क्षेत्र के अष्टभुजा चौकी से 100 मीटर की दूरी में तालाब के किनारे एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गया था। वही आज पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपियों द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर युवक की हत्या की गई थी। मिर्जापुर से एनबी न्यूज भारतीय विकास खंड मोरी के आर कोर्ट में ये भूषण मामला हुआ है। आपको ये बता दें कि जिस तरीके से ये घटना अब तक बताई जा रही थी और फिलहाल भीषण आपदा के जख्म अभी भी खरे के खरे हैं। यहाँ आपदा के जख्म अभी भी तस के तस बने हुए हैं। आपदा के 2 साल का समय पूरा होने पर है लेकिन सरकार और प्रशासन अभी तक इन जख्मों को नहीं भर पाई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कहीं पुल टूटा है तो कहीं सड़कें तो कहीं मकान के पुस्ते टूटे हैं। अभी सभी समस्याओं को लेकर आरकोट बंगाड़ संघर्ष समिति ने शासन और प्रशासन के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जिसमें ग्रामीणों ने शासन प्रशासन को जगाने के लिए नारेबाजी भी की है। अगस्त 2019 को आराकोट बंगाल क्षेत्र में भीषण आपदा आई थी जिसमें पूरा क्षेत्र तबाह हो गया। क्षेत्र की मुख्य मोटर मार्ग, झूला पुल, पैदल पुल, मोटर पुल सब बह गए थे। क्षेत्र के अस्पताल, विद्यालय सब नष्ट हो गए। किंतु दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लगभग 2 साल होने वाले हैं शासन प्रशासन द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके लिए आज मजबूर होकर हमें आराकोट मुख्य मार्ग में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करना पड़ा। और हम इस धरना प्रदर्शन सरकार तक ये मैसेज करना चाहते हैं कि यदि सरकार द्वारा 15-20 दिन में हमारे घाव भरने के लिए कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई तो हमें मजबूर होकर आगामी जो 2022 का चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाख प्रयास करती हुई नजर आ रही है लेकिन पुलिस की अनसुनी के चलते यहां महिलाओं के प्रति अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। इसका जीता जागता सबूत थाना क्षेत्र ओझा में देखने को मिला जहां पति की मौत के बाद विधवा भाभी के साथ शादी का झांसा देकर 3 साल तक सगा देवर शारीरिक संबंध बनाते हुए यौन शोषण करता रहा। जब उसका दूसरा संबंध सामने आया तो उसने भाभी के साथ मारपीट करते हुए उसे घर से निकाल दिया और शादी से इनकार कर दिया। अब पीड़िता न्याय पाने के लिए कई दिनों से पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रही है लेकिन घटना की जो रिपोर्ट है पुलिस ने अभी तक